सिख कह लगे भी तुसी तां मुसलमान हो, नमाज पढ़ते हो, तो तुहाडे ऑफिस विच ए मूल मंत्र लिखिया होया है, ये गल की है? कहिंदे ने जद ये गल सुनी तो उस राष्ट्रपति दियां अखां विच आंसू आ गए। अयूब खान कहिंदे जी इसे कलाम की बदौलत ही अज मैं राष्ट्रपति बनिया। सिख हैरान होके कह लगे ओ किवें? अस्सलामु अलैकुम वीरो, की हाल चाल है? पाकिस्तान का एक गरीब खान मूल मंत्र जपन की वजह तो पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया। एक कहानी है, सच है या झूठ है? अज की वीडियो दे विच सी इस दे बारे जानेंगे, सो चल के वीडियो देख लिया। एक गल याद रखना सत संगत, तुसी मूल मंत्र का जाप ना छड़े, गुरु नानक साहब कदे तुहाडी बाह नहीं छड़नगे। तुसी देखना इहदे नाल तुहाडे परिवारां दा माहौल बदलना शुरू हो जाएगा, बच्चियां दे जीवन बदलणगे, दुखां कलेशां दा नाश होवेगा, कमाई विच बरकत पवेगी। सत संगत, पाकिस्तान दा एक मिनिस्टर होया, नाम है उहदा अयूब खान। उन्हें एक किताब लिखी है फ्रेंड्स नॉट मास्टर, उहदे विच उन्होंने अपने जीवन नाल संबंधित कुछ गल्लां लिखियां ने। कहिंदे ने जदों उन्हां नूं इधरों इंडिया तो कुछ सज्जण मिलण गए ते उत्थे उन्हां दे ऑफिस विच एक तस्वीर लगी सी जिहदे उत्ते मूल मंत्र लिख के दीवार उत्ते लगाया होया सी, ते जिहड़े उन्हां नूं इधरों मिलण गए ओह सिख सन। ओह वेख के सोचदे ने भी है मुसलमान ने, नमाज पढ़दे ने, ते लिखिया इत्थे मूल मंत्र ए, इह गल की ए? चाह पाणी छकण तो बाद आखर उन्हां ने पुछ ही लिया। कहन लगे खान साहब मन विच एक शंका है, एक सवाल है। कहन लगे दसो। सिख कहन लगे भी तुसी तां मुसलमान हो, नमाज पढ़दे हो, ते तुहाडे ऑफिस विच ए मूल मंत्र लिखिया होया है, ये गल की है? कहिंदे ने जद ये गल सुनी तो उस राष्ट्रपति दियां अखां विच आंसू आ गए। कहन लगा जी इसे कलाम की बदौलत ही। सत संगत, जिवें असी पाठ कहने आ ओह कलाम कहिंदे ने। अयूब खान कहिंदे जी इसे कलाम की बदौलत ही अज मैं राष्ट्रपति बनिया। सिख हैरान होके कहन लगे ओ किवें? कहिंदे मैं छोटे होंदिया अहमदाबाद विच रहिंदा सां, मैनू रोज़ स्कूल विच टीचर कोलों मार पैंदी सी। एक तो मैं पढ़ाई विच कमज़ोर सां, दूजा स्कूल की फीस देण वास्ते मेरे कोल पैसे नहीं सी होंदे, गरीबी बड़ी सी। जिस वेले मैं स्कूल जाना, अगों आना कुछ ना, तो टीचर ने कुटना मारना, काफ़ी समा इस तरह चलता रहा। अखीर एक टिकाणा लभ गया। अयूब खान कहिंदे घरदिआं ने धक्के नाल स्कूल भेजना, राह विच एक गुरद्वारा पैंदा सी, मैं घरों आ जाना तो गुरद्वारे आके बह जाना, उत्थे बह के स्कूल का टाइम गुजार के वापस चले जाना। कहिंदे एक दिन ग्रंथी साहब ने पूछ लिया जानदे सन, कहन लगे अयूबे आ भी तू रोज़ इत्थे बहना है, स्कूल क्यों नहीं जाता? कहिंदा जी मैं तां स्कूल नहीं जाता, इत्थे बहना, एक तो मैं पढ़ाई विच कमज़ोर हाँ, दूजा स्कूल की फीस देने वास्ते मेरे कोल पैसे नहीं होंदे, रोज़ मार पैंदी है। अयूब खान कहिंदे ग्रंथी साहब ने मैनू अपनी गलवकड़ी विच लै लिया। कहन लगे भी आ तू मत्था टेक गुरु ग्रंथ साहब जी नूं। मैं मत्था टेकिया, फिर कहिंदे इत्थे बह जा, जो मैं बोलना मेरे पिछे पिछे बोल। पहले उन्होंने आप मूल मंत्र पढ़िया, पिछे मैनू बुलवाया, 15-20 मिनट मूल मंत्र पढ़िया तो मैनू याद हो गया। ग्रंथी साहब कहन लगे हुण जदों गुरुद्वारे आना है ना, तो इत्थे बह के मूल मंत्र जपया कर। मैं जपदा गया जपदा गया, मूल मंत्र जुबान ते चढ़ गया, दिन रात अंदर चलन लग पिया, मूल मंत्र करद्या करद्या अभ्यास वध गया। कहिंदे रोज दी तरह अज भी जिस वेले गुरुद्वारे आके बहन लगा, ते ग्रंथी साहब कहन लगे अयूबिया अज स्कूल जा। अयूब खान कहिंदे भाई जी मैं ते कई दिन स्कूल गया ही नहीं, मेरे ते कई दिन दी गैर हाजरी है, मैनू स्कूलों मार पवेगी। ग्रंथी साहब कहन लगे तू अरदास करके जा, गुरु नानक साहब तेरे अंग संग सहाई होणगे। कहिंदा मैं डरदा डरदा स्कूल गया। उही ओ टीचर जिहदे कोलों मैनूं रोज़ मार पैंदी सी, मार दी गल छड्डो जिहड़ी रोज़ मेरे कोलों फीस मंगदी सी, अज पहली वारी उहने मेरे सिर ते प्यार नाल हथ रख्या ते कहन लगी अयूबिया की गल कई दिन आया नहीं, अज आया, चल कोई नहीं बह जा। प्यार नाल कोल बिठा लिया।
ते कोल बिठा के जदों सवाल पुछे ना सात संगत जिस अयूबे नू कख नहीं सी आंदा देखदिया देखदिया उन्हें सारे सवाल हल कर दिते। ते टीचर खुश होके कहन लगे अयूबिया कोई गल नहीं अज तो बाद तू फीस दी चिंता ना करी तेरी फीस मैं दे दिया करांगी। सात संगत जदों अंदर रब वसद ना सिमरन चलन लग पैंदा है उदो हर एक बंदा जिहड़ा साढ़े विपरीत है वह भी साढ़े वल हो जाता है। अयूब खान कहिंदा है ये मूल मंत्र दी ही बख्शिश है जिन्हें एक साधारण जे बंदे अयूबे नू पाकिस्तान दा राष्ट्रपति अयूब खान बना दिता है। सत संगत अज भी तुसी पाकिस्तान दे राष्ट्रपति दे ऑफिस विच चले जाओ अज भी उत्थे उर्दू विच मूल मंत्र लिख के दीवार ते लगाया होया है। आखो सतनाम श्री। जितने भी माई भाई सजे हो कोई भी किसी किस्म का दुख है जिहड़ी कोई कमी हुंदी है ना वही दुख का रूप लैंदी है ते वही दुख जदों चिंता बन जांदा है वह चिंता सानू अंदर ही अंदर खत्म करती जांदी है। किसी का काम कार नहीं चलता यह भी एक दुख है। पहला बहुत कुछ सी हुण कुछ भी नहीं यह भी एक दुख है। शरीर नू कोई रोग लग गया यह भी एक दुख है। घर बार ते है पर कलेश रहिंदा यह भी दुख है। धी पुत्र नहीं यह भी दुख है। जे है ने ते नलायक ने ते वड्डा दुख है। धियां पुत्र जवान हो गए रिश्ते नहीं होंदे यह भी एक दुख है। रिश्ते हो गए सुखी नहीं वसदे यह भी दुख है। ये छोटिया छोटिया गल्लां जड़ियां ने ना ये साड़ी टेंशन बनिया हुई ने। तो साहब जी कहिंदे ने आ मेरे कोल तेरे दुखां दा कलेशां दा चिंतावां दा मैं इलाज दसां। साहब बाणी विच कहिंदे ने सर्व रोग का औखद नाम। सत संगत दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं संसार की कोई भी ऐसी परेशानी नहीं जिहड़ी मूल मंत्र जपण नाल हल ना हुंदी होवे। जिहड़ा बंदा रोज़ श्रद्धा दे नाल मूल मंत्र दा जाप करदा है एक दिन जदों उहदे ते परमात्मा की कृपा हुंदी है फिर वह परमात्मा इन्ना कुछ उस बंदे नूं दे देंदा है कि बंदे तो संभालिया नहीं जाता। इतनी बरकत है मूल मंत्र विच। दोस्तों जड़ा असी अज की वीडियो दे विच वाकया देखिया वै ये सच्चा वै या झूठा वै इस दे बारे ते मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता लेकिन हाँ जड़ा इस वाकये दे विच सबक मिलदा ना मूल मंत्र अल्लाह पाक दा जिक्र उहदे विच जड़ा उन्होंने दस्या वै वह बिल्कुल सच है। दुनिया की हर तरह की जड़ी ताकत है हर जो कुछ भी है वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ही वजह तो हुंदा वै उन्हां दी ही मर्जी तो हुंदा वै। इस करके वीरो जड़ा सच्चे दिल दे नाल अल्लाह पाक नूं पुकारेगा अल्लाह पाक दा जिक्र करेगा ते कोई दुनिया ते ऐसा मसला नहीं है कोई ऐसी परेशानी नहीं है कोई ऐसा काम नहीं है जिहदा हल ना आवे क्योंकि सारा कुछ हर चीज़ दा हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात कोल है। सारियां ताकतां दी मालिक उही ज़ात है। इस करके वीरो जिहड़ा बंदा सच्चे दिल दे नाल ते पूरे यकीन दे नाल मुसलमान दुआ मंगदे है सिख जिहड़े मूल मंत्र कर जपदे है हर किसी का अपना अपना तरीका है जिहड़ा पूरे यकीन ना पूरे खलूस ना पूरे मुहब्बत दे नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात दे बारगाह दे विच उहना जिक्र करदा वै ते उहना अगे दरख्वास्त करदा वै उहना को अपने मसलियां दा वास्ते मदद मंगदा वै ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात इस तरह बना दिंदी उहदे वास्ते आसानियां पैदा कर दिंदी है उहदा हर मसले दा हल कर दिंदी है। दोस्तों कई बार जिंदगी विच इंज होया होना वै कि कोई काम सानूं बड़ा मुश्किल लगता जिहड़ा साडी औकात तो बाहर हुंदा जिहड़ा साडी ताकत तो बाहर हुंदा असीं सोचने असीं इह काम नहीं कर सकते कदे वी नहीं हो सकता लेकिन अल्लाह पाक दी ज़ात को जदों असीं दुआ मंगने हैं दुआवां मंगने हैं रो रो के मदद मंगने हैं तो फिर वह काम अपने आप ही हो जाता कोई वसीला बन जाता कोई दोस्त आ जाता कोई रिश्तेदार जिहड़ा असीं सोचा भी नहीं हुंदा तो काम साडा बड़े आसानी नाल आ जाता यह अल्लाह पाक दी मदद हुंदी है लेकिन असीं इत्थे गौर नहीं करदे। अल्लाह पाक ते साडी जगह जगह से मदद करता कई यहोजियां परेशानियां होंदियां वे कई यहोजे काम होंदे है कि असीं अगर कर लईए तो साढ़े वास्ते बड़ी परेशानी बन जाए कोई गलत फैसले लैंदे उहनां तबाह हो सकने हैं लेकिन अल्लाह पाक दी ज़ात सानूं तो बचा लैंदे किसी तरीके नाल असीं किसी जगह पर पहुँचा हुंदा लेट हो जांदे हैं उत्थे पहुँच जांदे तो साडा बड़ा नुकसान हो जाणा सी। ये वीरो सारियां उस वाहेगुरू की कृपा वै सारी उहदी मदद नाल हुंदा वै। इस करके अज दी वीडियो सानूं इह सबक मिलदा वै कि अल्लाह पाक दा
पूरे खलूस दे नाल मूल मंत्र उदा जिक्र करो ते पूरे खलूस मुहब्बत नाल को मदद मंगो वो ताड़े हर मसले दा हल जरूर इंशाल्लाह ताला करेगा। वीरो तुहानू अज्ज दी वीडियो किस तरह की लगी कमेंट करके अपनी राय दा हजहार लाजमी करो। अपना ढेर सारा ख्याल रखियो, दुआ में याद रखियो। अल्लाह हाफिज़।